आज का आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था बाय द वे। चलिए तो इसमें हम लोग देख रहे थे आयोडो फॉर्म में क्लोरोफॉर्म में, तो क्लोरोफॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। तो आपको डाई इथाइल कार्बोनेट नहीं कहलाएगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या सोडियम कार्बोनेट है, तो डाई सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, नहीं कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। सोडियम दो रहता है फिर भी नहीं कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर वैलेंसी जो है से कार्बोनेट का दो है, तो दो इथाइल ग्रुप से उसका वैलेंसी सर्टिस्फाइड तो करना ही होगा, इसीलिए दो इथाइल ग्रुप आ गया था उसमें। तो उसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बोनेट ना, और वो हार्मलेस कंपाउंड है, उसमें बदल जाएगा, जिसकी वजह से परेशानी नहीं होगी, पेशेंट मरने से बच जाएगा, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट है आपका ट्राई आयोडोमीथेन, जिसको हम लोग आयोडो फॉर्म कहते हैं, CH3। इसका स्मेल बहुत गंदा होता है। कैसे बनता है, इसका प्रिपरेशन में बताया था लेबोरेटरी में कि एसीटोन ले लीजिए, उस एसीटोन में आप कॉस्टिक सोडा या वॉशिंग सोडा डाल दीजिए डिस्टिल वाटर के साथ। इसके बाद उसको बॉयल कर दीजिए। बॉयल करते वक्त सावधानी बरतना पड़ता है, यह लैक्रिमेशन काउज कर सकता है, मतलब कि टियरिंग होगा, आंख से आंसू निकलने लगेगा, ठीक है, मतलब कि वेपोरेशन के वजह से, ठीक है। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, उससे चेहरा उसके तरफ, फ्लास्क की तरफ मत रखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते क्या है कि आयोडीन का पाउडर बना करके और ग्रिंड कर दिए मिस्टर इसे इसमें मिक्स कर करके उसको पाउडर ग्रिंड कर दिए, ग्रिंड कर दिए, और उसको हम लोग कागज के सहारे बाहर निकाल करके फ्लास्क को तब उसमें ऐड कर देते हैं, तो आग लगने से भी बचेगा। वरना तो होता क्या है कि आयोडीन खुद आपको सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदलता है, ऊपर वेपर जा रहा है, टेम्परेचर मिलेगा, आग लग जाती है। तो उसे हम एक मेरा स्टूडेंट था, नाम था उसका जहीर, हाँ जहीर नाम था, बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था। फर्स्ट बार में वो भी IIT निकाला था और नटियाकत का लड़का था। वो किया क्या कि जब हम एक्सपेरिमेंट करा रहे थे तो पीछे से घुस गया, जाकर चेहरा मोटा कर दिया, आधा बाल उसका जल गया, ठीक है। बाद में जल्दी जल्दी उसका हम लोग रुमाल से मल करके उसका बाल बुझ के आग बुझाए। तो एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, वो घटना ही मुझे याद है। ऐसे भी हम लोग करते तो सावधानी बरतते हैं, हालांकि मैंने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया था कि यहाँ पर मत रहना, दूर से देखना है, दूर से देखो, यहाँ पर ये घटना हो सकता है। तो आइए हम लोग ट्राई आयोडोमिथेन के बारे में देखते हैं। यह आपको एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, ठीक है। इट लिबरेट्स आयोडीन ड्यू टू व्हिच इट बिहेव्स एज ए एंटीसेप्टिक नेचर एंड इट्स अनप्लेजेंट ऑडर इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ द आयोडीन। नाउ इट इज नॉट इन प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसीलिए इसको प्रैक्टिस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन इज कॉमनली नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जैसा कि आप जानते हैं, इसको एज हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। और किसके लिए यूज करते हैं, तो फैटी सब्सटेंसेज के लिए, ऑयल के लिए, रेजिन के लिए, एंड दिस कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग लिक्विड इन होम एंड इन द इंडस्ट्री। इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यूज अंडर द नेम पायरीन ना, सिंस इट इज नॉट फ्लेमेबल, या फ्लेमेबल नहीं होने की वजह से फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं। अंडर द नेम ऑफ पायरीन मटेरियल, इट्स ट्रेड नेम इज पायरीन ना, मतलब कि मार्केट में पायरीन कहिएगा तब आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड देगा सब ना। इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेफ्रिजरेंट प्रोपेलेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर फार्मास्यूटिकल्स ना, मतलब मेडिसिन बनाने में ETC। इट इज ऑल्सो यूज इन एज ए ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है, ठीक है। इफ साइड इफेक्ट क्या है इसका, एक्सपोजर काउजेज डिजीनेस, नोसिया, वोमिटिंग लीडिंग टू स्टुपर कोमा, अनकॉन्सियसनेस, डेथ। अदर इफेक्ट्स आर इरिटेशन टू आई, इरेगुलर हार्ट बीट एंड लिवर कैंसर। इफ रिलीज इन एटमोसफेयर इट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, दस इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, आई डिजीज एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये इसका मतलब हार्मफुल कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेकिन धड़ल्ले से केमिस्ट्री लैब में आपको मिलता है। हम लोग हालांकि बहुत कम प्रैक्टिस में इसको लाते हैं, टेस्ट भी अनसेचुरेशन का रहता है ना, तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, दूसरे केमिकल कंपाउंड से काम चला लेते हैं, ठीक है। आइए फिरियोन, तो जैसा कि मैं फिरियोन के बारे में बताया था कि फ्लोरिन क्लोरिन और कार्बन इसमें रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ फिरियोन का नंबर जो होता है, नंबर ऑफ फ्लोरिन पर डिपेंड करता है, 22, 23, 24, इस तरह से फ्रियोन का नंबर होता है। फ्रियोन्स आर द
क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन, दे आर कलरलेस ऑडरलेस नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेज, नॉन कोरोसिव अनरिएक्टिव एंड इजिली लिक्विफिएबल गैसेज. Because of these properties, they are largely used in industry as cooling fluid in refrigerator and in air condition, as a propellant in aerosol spray cans, cans में भी इसका यूज होता है, and as a industrial cleaning solvent. Because of their unreactive nature, they drift away unchanged into the atmosphere, where they form radical and causes depletion of ozone layer and thus cause harmful effect related to ozone depletion. ठीक है, तो फिर ये उनका यूज कम होना चाहिए आजकल. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीडीटी. तो देखिए एक्चुअली इसका नाम जो है आपका क्या है, आपका बाइक्लोरो डाइफिनाइल या बीस करके लिख सकते हैं हम लोग, बीस बीस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. तो इथेन है इसमें, यहीं से आपका बन गया डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन से यही डीडीटीई होता है ना, जैसे टीटीई होता है ना ट्रेन टिकट एग्जामिनर की एग्जामिन बाय द वे, उसी तरह से डीडीटी है. इसका ई लोग भूल हटाते हटाते खत्म कर दिया, डीडीटी पर ही आकर के रुक गया. तो ये डीडीटी है, पूरा होता है डीडीटीई, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. ठीक है, तो इथेन पर खत्म होता है लेकिन ई लोग हटा देते हैं. चलिए इसका स्ट्रक्चर ये हो गया. बनता कैसे है, क्लोरल से बनता है. क्लोरल का रिएक्शन आप करा दीजिए फिनॉल के साथ, तो क्या कहा जाता है आपको, ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन में. जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका डीडीटी का है, इसका नाम हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, लिखते रहिएगा. ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है क्लोरल वाला. ठीक है, एक्चुअली क्लोरल में क्लोरल का फॉर्मूला जो होता है CHO CCl3 होता है. ठीक है, तो CCl3 रख गया, दो ऑक्सीजन के जगह पर यहाँ से H2O निकल जाता है और यही आपको ये ग्रुप फिनाइल क्लोरोफिनाइल ग्रुप लग जाता है. तो यही आपका डीडीटी हो गया, और डीडीटी का यूज आप जानते हैं. ठीक है, किस चीज में यूज होता है डीडीटी का, तो इंसेक्ट को मारने में. ठीक है, कॉमनली नोन एज डीडीटी एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव जनरल इंसेक्टिसाइड. ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर मॉस्किटो फ्लाइज एंड क्रॉप pets. However, many species of insect develops resistance to DDT because of its extensive use. It is not metabolized rapidly because of its stability and fat solubility. यह आपका digest नहीं होता, मतलब decomposable नहीं है, और decomposable नहीं होने का वजह क्या है कि इसका metabolism possible नहीं है. ठीक है, it is not metabolized rapidly because of its stability and fat solubility. Fat में soluble है, ठीक है, जाकर के घुल जाएगा आपके body में, चला जाएगा, इसके वजह से ये आपको digest नहीं हो पाता है, metabolize नहीं होता, decompose नहीं हो पाएगा आपको ना, इसलिए food cycle में प्रेजेंट रहता है. दस इट इज डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज ऑफ द एनिमल. ना फैटी टिश्यू ऑफ एनिमल को क्या कहा जाता है, कौन बताएगा? बायोलॉजी किसका है, पल्वी का है. हाँ पल्वी बोलो. फैटी टिश्यूज ऑफ एनिमल इज नोन एज और बायोलॉजी किसका है, शंभु जुड़ी है, चंदन बायोलॉजी है, अमरजीत, मनीष का बायोलॉजी है. हाँ मनीष, मनीष का बायोलॉजी. हाँ हाँ मनीष का बायोलॉजी. चलिए मनीष बताइए फैटी टिश्यूज को हम लोग क्या कहते हैं. चलिए रोजी तुम बताओ. एडिपोज. हाँ बिल्कुल सही, एडिपोज टिश्यू क्या है, एडिपोज टिश्यू कहलाता है. तो एडिपोज टिश्यू में जाकर के ये स्टोर हो जाता है. ठीक है, इट आल्सो हैज हाई टॉक्सिक टुवर्ड्स फिश. इट इज नाउ बैंड इन मेनी एडवांस्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, बट स्टिल यूज्ड इन सर्टेन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. ना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के चलते मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से. ठीक है, तो
क्या कहा जाता है, हम लोग का यहाँ से पढ़ना था ना डाइक्लोरोमीथेन, तो इसमें मिथाइल, इसको हम लोग मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं। इसका यूज एज ए सॉल्वेंट होता है इन ड्रग मैन्युफैक्चर, एज वेल एज इन पेंट में होता है, एरोसोल प्रोपेलेंट में यूज होता है, मेटल क्लीनिंग में होता है। ठीक है, लो लेवल हार्मफुल तो है ही, ठीक है, इवन लो लेवल में भी हार्मफुल है। इट कॉजेज इम्पेयर्ड विजन, हेयरिंग, हायर लेवल इन एयर लीड्स टू डिजीनेस, नोसिया एंड नमनेस इन टूज एंड फिंगर्स, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑन स्किन कॉजेज बर्निंग एंड रेशेज ऑन द स्किन एंड ऑल्सो बर्न द कॉर्निया ऑफ द आई। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा ना, इसमें क्लोरोफॉर्म के बारे में वो रिएक्शन बताए थे, क्या बताया था कि जब फॉजिन गैस जब जैसी बनेगा, डेडली पॉइजनस गैस है, HCl जरूर रिलीज होगा। और HCl इसका डिटेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालेंगे, HCl से रिएक्ट करके व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड दे देगा, तो समझ जाएंगे कि उसमें फॉजिन बन गया है। और रखने के लिए इसको हम लोग डार्क ब्राउन बोतल में अप टू ब्रिम रखते हैं, इथाइल अल्कोहल मिला करके। इथाइल अल्कोहल को मिला करके रखने से फायदा क्या है कि फॉजिन जो होगा इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके इथाइल कार्बोनेट में बदल जाता है ना, वो हार्मलेस है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म हम लोग यूज करते हैं इस तरह से उसको प्रिवेंट करा करके। ठीक है, और इसके बाद बच गया आयोडोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोगों के पास है। ठीक है, तो आ जाइए आप। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग का है वो है आपका अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, ये आपका हम लोगों का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर मेरा ये पहले वाले स्कूल का बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं मॉडिफाई और करूंगा। ठीक है, आपके लेवल के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से ये होगा भी। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्कोहल किसको कहते हैं। तो कोई भी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और सेचुरेटेड कार्बन एटम, वैसे कंपाउंड को हम लोग अल्कोहल कहते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट एंड सिंथेसिस इंटरमीडिएट। अल्कोहल का जो यूज होता है बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट इस बार क्या कहा जाता है, देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए बेवड़ाओं के लिए बल्ले बल्ले करा दिया था। बाई द वे इकोनॉमिक में उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी को सुधारने के लिए सबसे पहले दारू का दुकान खोला गया था। तो कहने का मतलब है कि ये दारू दारू के फॉर्म में इसका अल्कोहल का यूज होता है, उसमें मेनली इथाइल अल्कोहल होता है, लेकिन कहीं कहीं अगर मिथाइल अल्कोहल मिला हुआ हो तो वो ऐसा नशा चढ़ता है कि वो जिंदगी में उतरता नहीं है, उसके लिए वह अभिशाप बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मिथाइल अल्कोहल डेडली पॉइजनेशन है, इवन 25 ml ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज सफिशियंट फॉर डेथ। ठीक है, इट कॉजेज फर्स्ट ऑफ ऑल इंसैनिटी, ब्लाइंडनेस एंड फाइनली लीड्स टू डेथ। 25 ml भी अगर भूल से मिथाइल अल्कोहल किसी भी दारू में मिला हुआ है, वह पॉइजन हो जाएगा, उसके पीने से अंधापन, आंख की रोशनी चली जाएगी, पागलपन का दौरा चढ़ेगा, फाइनली उसका डेथ हो जाता है। चलिए, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इनॉल्स कहलाते हैं। इन दो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ अनसेचुरेटेड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज इनॉल। और अगर बेंजीन रिंग, जिसमें इच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बेंजीन रिंग से यही OH जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिनॉल, ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया इनॉल। यह इनॉल क्यों है कि OH जो है इन ग्रुप से अटैच है। ठीक है, और डायरेक्टली अटैच होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ अल्कीन, तब उसको हम लोग इनॉल कहते हैं। इन आगे आपको डबल बॉन्ड के लिए, ओल आगे अल्कोहल के लिए। ठीक है, तो उसी से इनॉल बन गया आपको। मिथाइल अल्कोहल के बारे में जैसा कि मैं बताया, CH3OH होता है, यह डेडली पॉइजनस है, कॉमन सॉल्वेंट होता है, ए फ्यूल एडिटिव, प्रोड्यूसेज इन लार्ज क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी में बनता भी है। मिथाइल अल्कोहल लकड़ी से बनता है, फ्रेश वुड ले लीजिए, उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा दीजिए, मिथाइल अल्कोहल भी बनेगा उसमें। ठीक है, इसीलिए इसको उड नेफ्था भी कहा जाता है या उड स्प्रिट भी कहा जाता है। मिथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज उड नेफ्था और उड स्प्रिट। Why so? Because it is also obtained by the destructive distillation of green wood or fresh wood. ठीक है, पुराना सूखी हुई लकड़ी रहेगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि तो इवेपोरेट कर जाएगा, सब सूख जाएगा, उसमें रहेगा नहीं तो कहां से निकलेगा। नेक्स्ट है इथेनॉल। इथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज ग्रेन अल्कोहल।
वाई सो बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी ऑप्टेंड बाई फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन, ग्रेन का फर्मेंटेशन से हम लोग क्या कहा जाता है इथेनॉल ऑप्टेंड करते हैं ना। ग्रेन को क्या कहा किया जाता है, पहले स्टार्च होता है ग्रेन में जनरली, उसको स्मैश कर दिए, स्मैश करने के बॉयल कर दिए सबसे पहले, बॉयल करने के बाद स्मैश कर दिए, स्मैश कर देने के बाद बहुत सारे अगर लार्ज अमाउंट में सपोज कि आलू ले लिए, आलू से आपको दारू बनाना है तो आलू को बॉयल कर दिए, बॉयल करने के बाद उसको टब में डाल दिए, टब में हाथ से कितना फोड़िएगा ठीक है, करता क्या है सब पांव धो लिए और धो करके आलू पे चढ़ गए, चढ़ करके खूब उसको भरता बना दिए ठीक है। सर्दी का मौसम अगर है, नाक बह रहा है, नाक पोछे और उसी में झाड़ दिए ठीक है। इसके बाद पाँव से कुछ ना कुछ उसको विटामिन उसमें चला ही जाएगा। अब उसमें हम लोग करते क्या है कि क्या कहा जाता है उसको हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो जैसे ही स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करा दिएगा, माल्टोज मिल जाएगा और सुक्रोज मिल जाएगा ठीक है। और माल्टोज जो होता है ग्लूकोज का बना हुआ होता है, उसको हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो ग्लूकोज बन जाएगा, और उसी तरह से आपको सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाएगा। ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फर्दर फर्मेंटेशन हम लोग कराते हैं जिससे इथाइल अल्कोहल मिल जाता है। तो फाइनली इथाइल अल्कोहल मिल गया, और इथाइल अल्कोहल पीने से नशा आता है, लेकिन दे लॉस्ट द कैपेसिटी टू जज द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई द ड्राइवर हु हैव टेकन द ड्रिंक ना दारू शराब वाइन, दे विल नॉट जज द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दे गॉट द एक्सीडेंट, और यही वजह को एक्सीडेंट कर जाते हैं ना। नेक्स्ट है आपका फिनॉल, इसको हम लोग फिनाइल अल्कोहल भी बोलते हैं ठीक है। और क्या कहा जाता है, फिनॉल आपको सॉलिड लिक्विड स्टेट दोनों में पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं ठीक है। तो फिनॉल सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है, मतलब सेमी सॉलिड होता है। आइए जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑन कार्बन एटम टू व्हिच ओएच ग्रुप इज अटैच्ड। एक्चुअली इट इज क्लासिफाइड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन देन इट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, व्हेन हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी कार्बन देन इट इज नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, एंड व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद टर्शियरी कार्बन देन इट इज नोन एज टर्शियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तब ये हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल ठीक है। तो आ जाइए अब हम लोग देखते हैं फर्दर, हम लोग अल्कोहल को और क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक अल्कोहल हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दो हो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दो से ज्यादा हो पोलीहाइड्रिक अल्कोहल भी कहलाता है ये ठीक है। सिलेक्ट द आईयूपीएसी रूल्स फॉर नेमिंग द अल्कोहल हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सिंस इट इज कंसिडर्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड एज यू नो द हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, देयरफॉर हाफ ऑफ द नेम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम एंड अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड व्हेन इट्स डेरिवेटिव आर प्रेजेंट लाइक अल्कोहल देन हाफ ऑफ द नेम विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सपोज वन कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल इज प्रेजेंट, दैट मीन one carbon stands for meth and for saturated carbon it is methane, and suffix ol is used for alcoholic group then its name will be methanol. Now first alphabet vowel will be removed, now when two vowels are connected then according to English punctuation rule the first vowel will be omitted, therefore its name will be methanol. उसी तरह से ethanol, propanol, butanol ये आपका होता चला जाएगा। अगर कोई substitute, अब जैसा कि hydrocarbon में word बोल दिया कि first half नेम जो होगा हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में नेमिंग में 4-5 जो स्टेप जितना है वो सब आपको अप्लाई करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा स्टेप क्या था सिलेक्शन ऑफ साइड चेन, तीसरा स्टेप क्या था सिलेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, चौथा क्या था काउंटिंग। काउंटिंग हम लोग उस साइड से करते हैं जिधर से आपको सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन जो होता है पहले मिलते हैं, नियरेस्ट होते हैं ठीक है। और उसको साइड चेन को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विथ पोजिशन लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग नेम ऑफ द मेन चेन लिखते हैं ठीक है। अब आइए यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ, इसका नेमिंग देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये मेन चेन हो गया। यहाँ से भी हम लोग मेन चेन ले सकते थे 1, 2, 3, 4, 5, नेम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ साइड चेन, तो अगर ये मेन चेन ले लिए तो ये साइड चेन हो गया, अदर देन मेन चेन इज साइड चेन, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है, ये मिथाइल ग्रुप है, कितना पर है 2 पर है, तो 2 मिथाइल
पांच कार्बन के लिए हो गया पेंटेन, पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया ANE ना। अब अल्कोहल के लिए ओ लग गया कितना पर, तो टू पर, तो टू ओ लगा दिए। एक भावेल जो था ई हटा दिए, क्यों हटा दिए, क्योंकि दो दो भावेल आ रहा था, ओमिट कर करके ये हम लोग बना दिए, तो टू मिथाइल टू पेंटेनॉल हो गया। उसी तरह से इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो इन लोग का पोजिशन ले लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते थे, 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिस 1 4 साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये सिस क्यों कह दिया कि OH दोनों है आपका, बल्कियल ग्रुप है, मोलिकुलर वेट ज्यादा है, दोनों सेम साइड, इसलिए सिस कह दिए। 1 4 पर, इसलिए पोजीशन 1 4 हो गया। दो है इसलिए डाइओल कह दिए। इसका मेन चेन का नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन ना। यहाँ पर देखो ई ओमिट नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यह कॉन्सोनेंट है, यह भावेल है, कॉन्सोनेंट के साथ जब भावेल आता है तो उसको ओमिट नहीं करते हैं। सिमिलरली इस कंपाउंड को देख लीजिए, अगर हाँ, तो बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड है, इफ बेंजीन रिंग इज नॉट अटैच्ड विद एनी फंक्शनल ग्रुप एंड इट शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड। तो अगर डायरेक्टली अटैच्ड हो, इफ द बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, देन इट इज कंसिडर्ड इन मेन चेन, अदरवाइज इट इज ऑलवेज यूज एज ए साइड चेन। याद रखेंगे, बेंजीन रिंग अगर फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है तो मेन चेन, नहीं तो साइड चेन। तो ये हो, आइए इसको देखते हैं, बेंजीन रिंग फंक्शनल ग्रुप से अटैच नहीं है, इसे इसका मतलब कि ये साइड चेन होगा। इधर से आते हैं तो 1 2 3 पर अल्कोहल आता, इधर से 1 2 नजदीक पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग इसमें इधर से हो गया। 3 पर क्या है आपका, फिनाइल है, तो 3 फिनाइल लिख दिए, ठीक है। 2 पर अल्कोहली ग्रुप है, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिए, ठीक है। प्लस ओल कितना पर, 2 ओल लिख दिए, तो 2 ओल इसके साथ लिखिए या पहले लिखिए, बात बराबर है। तो 3 फिनाइल 2 ब्यूटेन 2 ब्यूटेनॉल लिखिए या ब्यूटेन 2 ओल लिखिए, ई ऑटोमेटिक इसमें हट जाएगा, क्योंकि वो क्या है आपका भावेल है, दो दो भावेल एक साथ नहीं रहता है, ठीक है। अब आ जाइए आप, देर आर एक्सेप्टेड आयुपैक नेम, अल्कोहल का कुछ नेम ऐसे हैं जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, जैसे बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल में देखिए ना, पढ़ा चुके हैं बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, ठीक है। तो ये उस अगर CH2 प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग हो, और उस पर अगर CH2 प्रेजेंट है तो बेंजाइल हो गया, CH प्रेजेंट हो तो बेंजल हो गया, C सिर्फ हो तो बेंजो हो गया, तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया, या फिनाइल मिथेनॉल कह सकते हैं। दूसरा देख ले रहे हैं, एलाइलिक ग्रुप से OH लगा हुआ है, तो इसको एलाइलिक अल्कोहल कह दिए, ठीक है, एक्सेप्टेड है। ऐसे आप आयुपैक में लिखेंगे तो 2 प्रोपीन 1 ओल आ जाएगा। प्यास लग रही थी इसलिए पानी पी करके पढ़ाऊंगा फिर। हाँ जी, तो इसका नाम आ जाइए, इसको हम लोग कॉमन सिस्टम में इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। क्यों इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, तो 2 कार्बन के लिए इथिलीन हो गया, और ग्लाइकस वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, ग्लाइकस मतलब होता है स्वीट, इसका टेस्ट स्वीट होता है, इसीलिए इसको ग्लाइकोल कहते हैं, लेकिन यह डेडली पॉइजनस है, इसलिए इसको स्वीट पॉइजन भी कहते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो इसका आयुपैक लिखना है, तो 1 2 ना पोजिशन दे दीजिए, तो दो, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड वाला है, इथेन हो गया, 2 ओल है इसलिए डाई ओल लग गया, पोजिशन 1 2 पर है इसलिए 1 2 1 2 इथेन डाई ओल हो गया। उसी तरह से ये ग्लाइसरोल हो गया, इसका नाम 1 2 3। सर इसे पोजिशन किधर जाएंगे दोनों तरफ? हाँ बेटा, इसे पोजिशन किधर जाएंगे दोनों तरफ? तो वही है सर, हाँ पोजीशन है, लेकिन देना होगा किधरों से, काउंटिंग किधरों से कीजिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पोजीशन देना जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि ये अल्कोहल इस पर आ जाए, ये अल्कोहल इस पर आ जाए, इसलिए पोजीशन देना इसमें जरूरी है, इसमें भी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कार्बन पर है। और पूछिए क्वेश्चन माइंड में है तो पूछिए। चलिए ना पूछिएगा तो आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब इसका आयुपैक नेम बताइए आप लोग, सबसे पहले तो इस कंपाउंड का नाम बताइए, पहले का बहुत ज्यादा गर्मी थी जी, आज लाइट अभी जाके आई है, थोड़ा सा रिलैक्स हूं। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए सब।
बड़ी टाइम ले रहा है जी। देखो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेयर, सिलेक्ट कर दो लॉन्गेस्ट चेयर, नीचे से ले लो या ऊपर से ले लो, कहीं से लो, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्शन ऑफ साइड चेयर, साइड चेयर सिलेक्ट कर लिए। तो सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप हम लोग सिलेक्ट कर ही लिए, अल्कोहल का है। देखिए अगर हम लोग इधर से आते हैं, इस साइड से काउंटिंग करते हैं, तो अल्कोहल का पोजीशन आ रहा है आपको क्या, 3 पर, लेकिन मिथाइल ग्रुप का आ रहा है पोजिशन किधर पर, 2 पर, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक पड़ रहा है 2, इसलिए काउंटिंग जो होगा इधर से होगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये आपका 6 हो गया। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखिए, 2 पर मिथाइल है, तो 2 पर मिथाइल लिख दीजिए, 2 पहला अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल लेटर, ठीक है। 2 5 पे ना सर? हाँ बेटा 5 पे ना, 5 हाँ बोलो, 5 पे ना, 5 का पोजीशन 5 पे है, हाँ हाँ 5 है, ठीक है, लो ना 5 कर दिए, हाँ इसी को कहा जाता है अलर्टनेस, आप लोग मेंटली अलर्ट है, तो 5 मिथाइल कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए टोटल नंबर ऑफ कार्बन, मेरा कर्सर किधर है, यहाँ है, ठीक है, कर्सर पॉइंट इतना छोटा हो जाता है कि हमको दिखाई भी नहीं देता है। 5 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, 6 के लिए कितना लिख दे, हेक्स लिख दिए, सिंगल बॉन्ड वाला है, क्या लिख दे, हेक्सेन लिख दिए ना, तो ये हो गया हेक्सेन। ई हटाना पड़ जाएगा, नहीं हटेगा क्योंकि 2 ठो डाई है, हेक्सेन हो गया। ओल कितना पर लगा हुआ है, तो 2 पर और 5 पर, 4 पर, हाँ बिल्कुल सही, हाँ तो 2 एंड 4, तो हेक्सेन 2-4 डाइओल, यही हो गया, यही इसका नाम हो गया, ठीक है। 2-4 पहले भी लिख सकते हैं, 5 मिथाइल 2-4 हेक्सेन डाइओल ना, ये यहाँ पर नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है, उसी तरह से इसका नाम हो जाएगा। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का नेमिंग, चलिए जल्दी सर, 2 मिथाइल 4 फिनाइल, 2 और मिथाइल 4 फिनाइल, हाँ 4 फिनाइल और 1 2 3 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, यस सर बिल्कुल सही है। चलिए तो ये 2 ठोरा है, 3 और 4 इसका आयु पैक लिखते रहिएगा आप लोग। देखिए सबका नाम तो लिखा हुआ है, ड्रा द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है, ड्रा कर लीजिएगा। चलिए एक मैं बता देता हूँ, देखिए स्ट्रक्चर आपको ड्रा करने में करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ लास्ट में देखिए, तो यहाँ पर अल्कोहलिक है ना, मेन चेन में 4 कार्बन है, ब्यूट लिखा हुआ है, 4 कार्बन है, तो सबसे पहले 4 कार्बन बनाइए, 1 2 3 ये हो गया 4, 4 कार्बन दे दिए ना। 1 पर ओल है, तो सपोज कि 1 है, ये 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए, 1 ओल कह रहा है, तो यहाँ पर OH हमको लगाना होगा हर हाल में, ठीक है। 2 पर इन है, देखो इन है E, और यहाँ 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, क्या है ये, डबल बॉन्ड है आपका ना, मोटा मोटा बॉन्ड बना दिया हूँ। अब आ जाइए साइड चेन, तो साइड चेन आपका कौन सा है, ये है 2 इथाइल, ठीक है, तो 2 पर एक इथाइल लग जाएगा आपका, ये C2H5, अनदर वैलेंसी शुड बी सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन एटम, वैलेंसी हो गया। उसी तरह से 3 साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन 1 ओल है, ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड होगा, हेक्सेन साइकिल लेना है हम लोगों को, साइक्लिक है, तो सबसे पहले साइक्लिक बना दीजिए, बेंजीन की तरह साइक्लोहेक्सेन बना दीजिए, साइक्लोहेक्सेन हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओल कह रहा है, तो कहीं पर से उठा करके ओल OH लगा दीजिए, ठीक है, और जहां पर OH लगाए उसी का पोजीशन 1 दे दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से इधर से भी पोजीशन दे सकते थे, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 पर आपका 3 साइक्लोहेक्सीन, इन के लिए यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो 2 3 3 यही ना है आपका, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर हो गया।
थ्री साइक्लोहेक्सीन वन ओल, चौथा आप बनाते रहिएगा, ठीक है। यूज फीन द फ्रेंच नेम फॉर बेंजीन एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन नेम नॉट बेंजीन, नेम सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक रिंग बाय देयर पोजीशन फ्रॉम ओएच, ना। तो इसका एम मिथाइल फेनॉल भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग एम क्रेसोल भी कहते हैं, ठीक है। टू फॉर डाइनाइट्रोफेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो फंक्शनल ग्रुप, हाँ कहाँ है कर्सर मेरा, यहाँ है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसको मेन में ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक कंपाउंड हो गया फेनॉल, अगर ये आपका वन है तो ये टू हो गया, ये आपका थ्री हो गया, ठीक है। तो थ्री मिथाइल फेनॉल कह दीजिए, या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो ये ऑर्थो हो गया, ये दोनों ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, यही हो गया मेटा मिथाइल फेनॉल, ना। सबसे अच्छा हो जाएगा थ्री मिथाइल फेनॉल लिखना। उसी तरह से ये हो गया फेनॉलिक ग्रुप, ठीक है। आप यहाँ से पोजिशन वन कर दीजिए, ये हो गया आपका टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स, ठीक है। तो टू नाइट्रो, टू और फोर पर है तो टू फोर डाई नाइट्रो हो गया, और पूरा कंपाउंड जो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक फेनॉल हो गया, इसीलिए इसका नाम हो गया टू डी एन पी, टू फोर डाई नाइट्रो फेनाइल फेनॉल, ठीक है। बस प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसको मैं मॉडिफाई भी कर दूंगा।